नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका प्राइम चर्चा में। विज्ञान के अनुसार जब धरती पर पहला इंसान आया तो उस वक्त धर्म की कल्पना भी नहीं की गई होगी। इंसानों का क्रमिक उद्विकास होता रहा। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा, शायद धर्म और संप्रदाय की आवश्यकता पड़ती गई। वक्त के पहिए के साथ साथ आगे बढ़ते इंसान की धार्मिक यात्रा भी जारी रही। धर्म के चक्के को लगातार चलाते रहने के लिए अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्म संसद बने। लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार अपना धर्म चुना और आज भी लोग अपने धर्म में कमियां या नाराजगी की वजह से अपने धर्म को त्याग देते हैं या किसी अन्य वजहों से या दूसरे धर्म की अच्छाइयों से आकर्षित होकर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। ऐसा ही धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सोमवार को इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही वसीम रिजवी का अब नया नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया है। लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसीम रिजवी हिंदू धर्म छोड़कर फिर अपनाएंगे इस्लाम धर्म? क्या ये है एक राजनीतिक एजेंडा? आखिर क्यों उठ रहे सवाल वसीम रिजवी के धर्मांतरण पर? तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद क्या कुछ कहा। धर्म परिवर्तन की यहां पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद, हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यतीन्द्र सिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई में कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद, हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यतीन्द्र सिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई में कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। तो कई सवाल हैं जब से धर्म परिवर्तन हुआ है वसीम रिजवी का। उससे पहले से ही अपने विवादित बयानों को लेकर, जिस तरह के उनके बयान आज तक सामने आए हैं उनको लेकर हमेशा ही विवादों में तो रहे हैं, और आखिरकार उन्होंने जब धर्म परिवर्तन कर लिया तब भी कई लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और आज हम भी इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वसीम रिजवी एक बार फिर हिंदू धर्म त्याग कर क्या फिर से इस्लाम धर्म को अपना लेंगे। जिस तरह का उनका ये बयान सामने आया और आपने सुना है, उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया, इसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से इस धर्म को चुना है, सनातन धर्म को चुना है, जो कि काफी पुराना धर्म है और इस धर्म में काफी अच्छाइयां हैं, तो इससे प्रेरित होकर उन्होंने इस धर्म को चुना है। साथ ही उनको अपने धर्म में कुछ कमियां नजर आई जिसकी वजह से उन्होंने कई विवादित बयान दिए या जो कुछ भी रहा उनका वो निजी
उनका निजी जो जो भी विचार रहे उसको देखते हुए उन्होंने अपने धर्म से त्याग किया और दूसरे धर्म में उन्होंने परिवर्तन लिया। तो इसके बाद से ही काफी बयानबाजी भी सामने आ रही है और कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये एक राजनीतिक एजेंडा है या फिर उन्होंने सच में धर्म परिवर्तन कर लिया है, या वो हिंदू धर्म अपनाए रहेंगे या फिर एक बार फिर हिंदू धर्म को त्याग देंगे और फिर से इस्लाम धर्म को अपना लेंगे। तो कई सवाल है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश कुमार राय जी। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अपने धर्म से नाराज होकर और दूसरे यानी कि सनातन धर्म से खुश होकर कुछ अच्छाइयां देखकर, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि वो हिंदू धर्म को सही तरीके से अपनाएंगे जिससे सभी हिंदू अपनाते हैं, या फिर उसमें वो फिर से छोड़ सकते हैं इस धर्म को? जगदीश जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जगदीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ऐसे तमाम सवाल है जिन पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का क्या कहना है, और साथ ही जिस तरह से वो पूजा करते हुए दिखे हैं, जिस तरह का उनका बयान सामने आया है और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया, तो ऐसा संभव लग नहीं रहा है कि अब वो फिर से अपने धर्म में वापसी करेंगे। और जितने उनके आज तक विवादित बयान रहे हैं, उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं तो उसको देखते हुए पहले से ही इस्लाम धर्म के कई धर्म गुरु भी उनसे नाराज रहे हैं, कई लोगों ने उनका बहिष्कार करने की बात कही, तमाम बातें कही, जिसके बाद अब उन्होंने जब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म अपनाया, पूजा पाठ करते हुए नजर आए, और इन सब चीजों को देखते हुए अब कई सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर इस्लाम धर्म उनका बहिष्कार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो सवाल है उस पे हम चर्चा करेंगे। जगदीश जी, जिस तरह से सनातन धर्म को अपनाया है वसीम रिजवी ने, उनका बयान भी सुना होगा आपने, उन्होंने कहा कि उनको इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया, उन्होंने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए शिखा जी, सबसे पहले हिंदू पर्सनल अवार्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश कुमार राज की ओर से सभी सनातनियों को जय श्री राम। जी आने वाले टाइम में वसीम रिजवी जो है सनातन बम बन के फटेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन्होंने जो है कि हिंदू धर्म अपना लिया। जी जो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पर आज जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि वसीम रिजवी जो है, जब मुस्लिम धर्म का नहीं हो सकता, इस्लाम धर्म का नहीं हो सकता, तो वो सनातन धर्म का कैसे हो सकता। ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुछ मौलानाओं का तो ये भी कहना है कि ये आदमी वापस दोबारा इस्लाम धर्म में आ जाएगा, शर्तें लगा रहे हैं लोग। लेकिन उन्होंने तो खुद इस बात को स्वीकारा है कि उन्हें इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया जिसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। देखिए ये आपने कहा कि उनको इस्लाम धर्म से निकाला, इस्लाम धर्म से निकाला नहीं। हो सकता है एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने इस्लाम धर्म को बदनाम करने के साथ साथ एक षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश का प्लान बनाया हो आने वाले लेकिन टाइम में। उनके जिस तरीके के बयान रहे हैं पहले, तो उससे तो ये नहीं लगता कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ रहे हैं, वो हमेशा से इस्लाम धर्म के खिलाफ नजर आए हैं, उनके जिस तरह के बयान रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए बयान देने से आदमी की आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती सिका जी, मैं आपको बताऊं। ठीक है, मंत्रोच्चारण करने से उनका तन शुद्ध हुआ होगा, मन तो नहीं हुआ। अभी भी मैंने कल उनकी कुछ चैनलों पे, सोशल मीडिया पे बाइट देखी, अभी भी वो उर्दू वाले शब्दों का यूज कर रहे हैं, अपनी भाषा में उर्दू वाले शब्दों का यूज कर रहे हैं। क्यों, अगर उन्होंने सनातन अपनाया है तो क्यों नहीं संस्कृत बोलते? उनका जगदीश जी, आप कितने तो संस्कृत प्लान शब्दों था। का उपयोग करते हैं? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी हम बहुत सारे नहीं, शब्दों के, आप आप कम से सनातन कम धर्म के हैं, आप आपकी आप भी तो हाँ संस्कृत सनातन शब्दों का धर्म के उपयोग करते हैं, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात सही जी है। ठीक है, तो उर्दू उर्दू शब्दों का उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब दूसरी बात आती है शिखा जी जगदीश जी, कि मेरा एक सवाल अगर है। उन्होंने, हाँ जी जगदीश जी, हाँ मेरा एक बताइए सवाल है, बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का यूपी में किस जगह के? डिस्ट्रिक्ट रामपुर पड़ता है।
जी, तो अब मैं यही ज्यादातर सवाल उत्तर आपसे करता प्रदेश हूं, में, बताओ जी ज्यादातर उत्तर प्रदेश में देखा जाता जी। है कि लोग अपनी भाषा में मिली जुली भाषा का उपयोग करते हैं, उसमें उर्दू भी आती है, वो चाहे हिंदू धर्म के हो या फिर किसी भी धर्म के देखिए हो, तो उर्दू बात भाषा आ ठिकानी ही बात वो जाती नहीं है। है, बात यह है कि जिस जी तरीके से उन्होंने चैनलों पर बैठ के उन्होंने एक बात यह भी कही कि जी मैं आया हूं, मेरा परिवार नहीं आया, मैं अपने परिवार के फोर्स नहीं करूंगा। तो जी जब बाप जा सकता है तो बच्चे क्यों नहीं जा सकते? बच्चों को भी सनातन धर्म अपनाना चाहिए था। तो ये तो अपना निजी विचार है कि आप धर्म अपना ये बदल निजी रहे हैं, विचार, ये जरूरी नहीं ऐसा है कि निजी आपका विचार नहीं परिवार है भी मैडम। बदले, तो सबकी अपनी अपनी सोच, ये उनकी भी तो मानसिकता अनुमान होती है, लगा रहे किसी हैं को लोग, ये भी जबरदस्ती तो तो धर्म अनुमान लगा परिवर्तन रहे हैं नहीं कराया जा सकता, और सनातन धर्म लोग में अनुमान खास लगा तौर रहे से हैं। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए जबरदस्ती नहीं कराया है तो कल को चार मौलाना आके मुस्लिम धर्म के वसीम रिजवी से कहेंगे चलो आओ घर वापसी करो, तो कल लेकिन को वही वसीम तो रिजवी सवाल है के कि आखिर दिमाग में कैसे, आखिर क्या कैसे गारंटी वो धर्म है? वापसी की बात क्या करेंगे, क्योंकि गारंटी है उन्हें कि वो वसीम निकाला क्या रिजवी जो है। है कि हिंदू धर्म के बनकर रहेंगे? क्या क्या गारंटी है इस बात की कि वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लिख के दें कि मैं सनातन धर्म में आया हूं तो कल को मेरी वजह से किसी भी सनातनी को हिंदू धर्म को नुकसान नहीं होगा? सबसे क्या पहला मान सवाल ले तो मैं ये करना चाहूंगी कि ये किसी वसीम धर्म रिजवी का परिवर्तन कुत्ता है? करने से किसी हिंदू धर्म को क्या नुकसान हो सकता है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। कि अगर देखिए ऐसा वसीम भी हो रिजवी ने सकता है, धर्म परिवर्तन करा है तो क्या नुकसान होगा हिंदू धर्म को? कोई खास मकसद के लिए जब सिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन की बात कर रहा हूं, अगर एक आम मुसलमान अगर हिंदू धर्म परिवर्तन करता तो ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है, एक षड्यंत्र के तहत भी तो यह सनातन धर्म अपनाया जा सकता है। कल को सनातन धर्म को कोई नुकसान हुआ इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम वही तो जानना आप चाह रहे लेंगे हैं कि मैडम, किस आप बताइए, तरह आप का पिताजी, आप नुकसान हो बताइए, आप सकता है। लेंगे जगदीश जिम्मेदारी, आप जी, बताइए। किस तरह का नुकसान हो सकता है? अभी आप कह रहे थे, अभी क्या आज पिछली बार जब बीजेपी की आपसे चर्चा सरकार हुई है, थी तो आप अपने धर्म को बढ़ाने की कई बातें कह रहे थे, और आज जब किसी ने धर्म परिवर्तन करा है, सनातन धर्म मगर में मैंने आया है, तो धर्म आज आप परिवर्तन की उसमें बात से नहीं भी कही थी। खुश मैंने नहीं है। धर्म परिवर्तन हमने धर्म परिवर्तन की पिछली बार बात नहीं करी थी, हम लेकिन धर्म धर्म को परिवर्तन की बात बढ़ाने नहीं की कर बात रहे। तो करी थी। धर्म को बढ़ाने की बात थी, जनसंख्या पे जनसंख्या बच्चे पैदा करने की बात कही थी, ना कि किसी मुसलमान को हिंदू धर्म में लाके एक धब्बा छुटा नहीं सकते, दूसरा धब्बा लाके यानी कि एक जासूसी का कार्य करवाया जाएगा। कल को कोई बात हुई सनातन धर्म को नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? जगदीश जी, पहली बात तो ये कि यहाँ तक आप कि जो सोच जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कह रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि पॉपुलेशन पे नियंत्रण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। और दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है सनातन धर्म में जो दिखा रहा छुपी हूँ उल्टी हुई गंगा है, वाली बात। जिसको जिसको जानने के लिए लोग धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म में आएंगे? ऐसी कौन सी चीज देखिए छुपी हुई मैम है? सनातन शिखा जी, सनातन धर्म में सबका स्वागत है, मगर एक खास मतलब मैं आपको बताऊं, लिख के दे सकता हूं इस बात को, जिस दिन बीजेपी की सरकार नहीं रही, 5-10 साल तो रहेगी और जिसके बाद नहीं, अगर वसीम रिजवी वापस मुस्लिम धर्म में आ गए तो क्या आप इसकी गारंटी लेंगे? आप बताइए मुझे, हम क्यों गारंटी लेंगे? ये ये मौलाना बताइए का कि कहना पूरी है, दुनिया मुस्लिम के धर्म के सामने, धर्म ऑन गुरुओं का चैनल, कहना है, ऑन ये बताइए। मीडिया, पूजा पाठ करके एक विधि विधान के साथ कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है बिना किसी दबाव के, अपनी मर्जी से, तो अगर वो इस धर्म में रहना चाहे तो रहे, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं। आपने अगर वो कहा वापस अपने धर्म में जाना आपने चाहे तो उसके कहा लिए भी कोई बाध्य आपने नहीं कहा है। कि आपने कहा पूजा पाठ करके, जी बहुत सी अभिनेत्रियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने भी तो हिंदू रीति रिवाज से शादी करी, फिर क्यों मुस्लिम धर्म में वापस चली गई? वो क्यों चली गई? क्या गारंटी थी? उन्होंने लिख के दिया था क्या, एग्रीमेंट किया था क्या शादी पे हिंदुओं के साथ? जगदीश जी, आप मुझे ये बताइए, क्या हिंदू धर्म में जोर जबरदस्ती के साथ कभी भी किसी से भी धर्म परिवर्तन कराया गया है, कभी हिंदू धर्म ना ही ऐसा या काम फिर करता किसी है? को ठीक बाध्य है, किया गया है मगर कि वो यह है हिंदू कि धर्म एक में बंधे षड्यंत्र भी हो रहे? सकता है हिंदू धर्म को। देखिए वसीम जी रिजवी कोई छोटा आदमी नहीं है, ठीक है, वो जी, कोई यही तो सीधा बात है आदमी कि नहीं जब है, वो पढ़ा सबके लिखा सामने समझदार ऐसा व्यक्ति कदम है, उठा ठीक रहे है, हैं और मैं तो उसके बाद क्यों आप सवाल उठ रहे हैं? और जबकि इस्लाम सवाल धर्म के लोग कह मैं रहे नहीं हैं, धर्म उठा, गुरु कह सवाल रहे मैं हैं नहीं कि उठा वो रहा, कभी हिंदू के वसीम थे, रिजवी कभी इस्लाम की के थे ही नहीं। इस्लाम धर्म के लोग कह और रहे हैं कि वो किसने कभी कहा, इस्लाम के थे नहीं, हिंदू कह रहे हैं कि वो जो है हिंदू धर्म में कभी बन नहीं पाएंगे, तो ये किस किसने तरह कहा? की बात चल रही है? ऊपर वसीम रिजवी ऊपर से तो गिरे नहीं होंगे, पैदा ही हुए होंगे ना, तो फिर कैसे इस्लाम धर्म के नहीं हुए? ऊपर से गिरे हैं क्या, बताइए आप मुझे?
सीधे ऊपर से गिरे हुए धरती पे पैदा जगदीश जी, देवबंदी हुए और जी, किसी धर्म में पैदा उलेमा हुए। मुफ्ती असद काजमी ने कहा है, उनका बयान सामने आया है कि वो वसीम रिज़वी इस्लाम धर्म से पहले ही खारिज हो चुके थे और उनके खिलाफ फतवा भी देखिए, दिया गया खारिज था। होना धर्म किसी को अलग नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, ये घर वापसी करेंगे, आने वाले टाइम में घर वापसी करेंगे। ये वसीम रिज़वी को वापस आना है, ये मेरा कहना नहीं है, सोशल मीडिया का कहना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का तो आप कहना है। सोशल मीडिया ये को ध्यान धर्म से लेके क्यों खारिज चल नहीं रहे है, हैं? धर्म के आधार पे चलिए ना, हिंदू धर्म तो कभी मैं भी धर्म के किसी को आधार बात पे, नहीं ये करता मुस्लिम है। धर्म के धर्म गुरु कह रहे हैं, ठीक है, अगर वो अलग वापस खारिज कर जाना दो, ये चाहते हैं वापस तो उनको आएंगे। जाने दीजिए। क्यों आप चाहते कि वो इस धर्म में बंद कर रहे? आप चाहते क्या पहले अगर मुझे ये आए हैं तो बताइए। आए अगर हैं तो पहले पूरे कभी आप तरीके से कहते आए, हैं, ठीक है, अब कभी ऐसा आप तो है कहते नहीं। हैं कि अपने देखिए, धर्म को बढ़ाया जाए, दूसरे धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, कभी और मैंने जब ये कोई नहीं आपका कहा कि धर्म किसी अपनाता मुसलमान को है तो हिंदू उसमें बना भी जाए, आपको मैंने खुशी नहीं नहीं कहा है। कभी भी। मैंने कभी नहीं कहा, मुझे खुशी है कि उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। आप जी लिखवा लीजिए उनसे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक लिखवा के दिलवा दीजिए, कल को अगर वो सनातन धर्म ना छोड़े और सनातन धर्म को उनसे कोई नुकसान ना हो, मैं आज वही तो तक जगदीश जितने जी आपसे भी जानना चाहती हूँ मुसलमान कि हिंदू आखिर बने सनातन धर्म सब में वापस ऐसा अपने क्या धर्म छुपा में हुआ आए चीज हैं। है, किस चीज की आपको डर लग रहा है कि वसीम रिजवी ने सनातन धर्म से जुड़े हैं, और कौन सी जानकारी बाहर लीक कर देंगे, कौन सी ऐसी छुपी हुई बातें हैं, वो आप बताइए बहुत मुझे। सारी, देखिए, कल को अगर ये वापस जाते हैं तो हिंदू सनातन धर्म की बहुत सारी बातें बाहर जाएंगी। और मेरा यहाँ तक मानना है कि ये मुसलमान भी कह रहे जगदीश हैं कि जी, ये सनातन सनातन धर्म धर्म है। एक सबसे मेरे पुराना पास धर्म वीडियो है, क्लिप उसके है, बारे में मैं पूरा अपनी तरफ से दुनिया नहीं कर विश्व रहा, जानता है। जगदीश मैं जी, अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मेरे पास वीडियो क्लिप है कि लोग कह रहे हैं कि वापस आएंगे ये एक दिन अपने धर्म में, तो आप अपनी क्यों राय क्यों रखिए, आप नौटंकी कर लोगों रहे की हैं, राय ड्रामा क्यों करने रख वाले रहे क्या हैं? बात कर रहे हैं। आप अपनी राय रखिए, आप लोगों की राय क्यों रख रहे हैं? आप लोगों की सुनी मैं सुनाई बता रहा हूं बातों पर ना, इस तरह से कैसे किसी पर रिएक्शन कर सकते हैं? मैं रिएक्शन करने वाली बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 साल अभी बीजेपी की सरकार रहेगी, कल को किसी और पार्टी की सरकार आती है, ये पासा पलट देंगे, वसीम रिजवी मूल धर्म में अपने वापस आ जाएंगे। जगदीश जी, फिर पहले तो मुझे यही, ये बताइए कि आपके पास इतनी कंफर्मेशन कैसे है कि 10 साल बीजेपी की ही सरकार रहेगी? हाँ मैं बता रहा हूँ मैडम, हम भी जनता के, जिस तरीके से आप चैनल पर बैठ के बातें करती हैं, लोगों की राय जानती हैं, उसी जी तरीके से हम भी समाज के लोगों से जुड़े हैं, ठीक है। हम भी जानते हैं कि 10 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, तो जब तक वसीम रिजवी जो है कि उसमें रहेंगे, सनातन धर्म में रहेंगे, उसके बाद वसीम रिजवी जो है वापस अपने मूल धर्म में जाएंगे, वापस जाएंगे। ये उससे क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले टाइम और जिस तरह बताएगा। से इस्लाम धर्म में उनका बहिष्कार किया जा रहा है, उसको देखते हुए भी आपको लगता है कि बाकी लोग उनका उनका स्वागत उनका करेंगे? उनका किसी ने बहिष्कार नहीं किया, उन्होंने अपना बहिष्कार खुद करवाया। इस्लाम को गलत कह गए, किसी को गाली दोगे तो क्या वो फूल बरसाएगा? तो जब वो उन्होंने उनके अपना पक्ष खुद में नहीं थे और बहिष्कार अब वो करवाया। हिंदू बन गए हैं, सनातन धर्म अपना लिया है और उधर से बहिष्कार ये किया जा रहा उनका है? पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, ये वसीम रिजवी का पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, अपने जिस आप को तरह से आप कह पॉलिटिकल रहे में हैं कि साबित उनकी करने घर का। वापसी होगी और उनको धमकियां मिल रही थी, इससे पहले उनका बयान सामने आया था कि उनको धमकियां मिल रही है, देखिए मारने की बात मैडम, कही गई है, उस सबको देखिए देखते हुए वो घर देखिए वापसी सीता करेंगे। जी, आप कह रही हैं कि धमकियां मिल रही हैं, कल को फिर धमकियां मिलने लगी, फिर कहेंगे कि मेरा तो सनातन धर्म से दिल उब गया, मुझे फिर से धमकियां मिलने लगी कि सनातन धर्म वाले बोल रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा तुम्हारे साथ, फिर क्या आप गारंटी, आपने कहा धमकियों की बात करिए तो जगदीश जी, हम आपसे फिर क्या जानना कहेंगे आप? चाहेंगे, जगदीश जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म के लोगों को मुस्लिम बनने से रोका जाए, ना कि मुस्लिमों को जो है सनातन धर्म में लाया जाए और धर्म को बिगाड़ करने के लिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चौधरी पटेल, राजपूत लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, त्यागी लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं भले मुस्लिम है, ये चीज नहीं होनी अभी आप चाहिए। कह रहे हमें तो थे हमारे कि वो सनातन धर्म के लोगों अभी के आप कह रहे थे जगदीश जी कि वसीम रिजवी का जन्म इस्लाम धर्म में हुआ है, वो कभी जो है सनातन धर्म अपना नहीं पाएंगे, वो हमेशा इस्लामी ही रहेंगे, वो मुस्लिम ही रहेंगे, और अब आप कह रहे हैं अगर कि अगर जो हिंदू वसीम धर्म रिजवी के के लोग हैं वो अंदर अपना दम है धर्म ना ना, बदले, तो देखिए जो मैडम, हिंदू धर्म के लोग हैं देखिए वो भी तो सिखा जी, हमेशा हिंदू ही रहेंगे अगर वो हिंदू सुनिए धर्म में जन्मे हैं सुनिए तो। सिखा जी, सुनिए सुनिए सिखा जी, मेरी बात सुनिए, अगर वसीम रिजवी के अंदर दम है ना, तो अपने परिवार को भी सनातन धर्म में लेके आए वो, ठीक जी है, प्रूफ करके दिखाए कि जब मैं आया हूं तो मेरे बच्चे भी सनातन धर्म में आए। तो वो कह रहे कि
मैं अपने परिवार के बीच में रहूंगा, ये स्टेटमेंट उन्होंने टीवी चैनलों वालों को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा, लोगों ने सवाल किए उनसे। जगदीश जी, तो इतनी चर्चा हुई लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। हमारे पास वक्त की कमी है, अपना जो भी संदेश आप देना चाहते हैं, जो भी बात आप रखना चाहते हैं वो रखिए। मैडम आपकी खुद की समझ में नहीं आएगा इसका, क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें भी खुश नहीं है कि वो इस्लाम धर्म में थे, अब वो सनातन धर्म में आ गए हैं। आप इससे भी खुश नहीं है, अभी आप इससे भी खुश नहीं है कि वो अपने धर्म में वापस जाएंगे। ना आप इधर की बात समझ रहे हैं ना उधर की। अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों से, अभी आपके प्रोग्राम से पहले थोड़े लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने ये कहा कि ये वसीम रिजवी वापस आएगा। तो वापस जाने दीजिए, अगर आपको इसमें खुश नहीं है कि वो इस धर्म में आए हैं, तो वैसे भी हिंदू धर्म सनातन धर्म किसी को बाध्य नहीं करता है धर्म परिवर्तन के लिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर जो जाना चाहते हैं उसको जाने दिया जाएगा। वसीम रिजवी दोबारा से मुस्लिम धर्म को अपनाएंगे, चाहे वो सरकार बनने के बाद। तो उनको अपनाने दीजिए, वो उनका निजी मामला है, आपको इसमें क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ इस बात हो रही है, सनातन धर्म कोई मजाक नहीं है। आज सनातन धर्म में आओ, कल को चले जाओ। सनातन धर्म की बुराई करके वैसे भी बहुत सारे चुलबुल सनातन धर्म की बुराई करने पर लगे रहते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिए, इंस्टाग्राम पे शब्दों पे ध्यान दीजिए। आप एक लाइव चैनल पे बैठे हैं, आप किसी भी शब्द का ऐसे ही प्रयोग नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग क्यों फिर बदनाम करते हैं सनातन धर्म को? सनातन धर्म तो लंबे समय से चला आ रहा है, तो फिर उसकी बदनामी क्यों करते? कल को इनका भी रिजवी जी का बयान सामने आया है, उन्होंने तारीफ भी की है सनातन धर्म की, सबसे पुराना धर्म है, उसमें कई अच्छाई है, ये आपने सुना नहीं होगा। ऐसे देखिए, कल जो आदमी मुस्लिम धर्म में था, मुस्लिम धर्म की तारीफ करता था, ठीक है, मुस्लिम धर्म छोड़ा, सनातन अपनाया, सनातन की तारीफ करने लगा, कल पासा पलटा, तो कल दिमाग में आई, देखो शरीर शरीर उनका सनातन धर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर उनकी आत्मा जो है आज भी इस्लाम में है, आज भी वो इस्लाम धर्म को ही मानेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, शरीर जरूर सनातन धर्म में आयो, मगर उनकी आत्मा जो है हर काम जो है इस्लाम के अनुसार ही करवाएगी। मैं आपको बताऊं जी, बिल्कुल, खाली शरीर शुद्धिकरण से सनातन धर्म नहीं हो जाता जी, बिल्कुल। और मैं नहीं चाहता कि मेरा सनातन धर्म को जो है कल को और ज्यादा बदनामी मिले, और उन लोगों की भी बदनामी हो कि जो लोग लाए थे, बड़ा मेहनत की वसीम रिजवी को लाने के लिए के सनातन धर्म में लेकर, कल को फिर उन लोगों की भी बदनामी ना हो, अरे लाए तो थे, कल को मुसलमान ही मजाक बनाएंगे कि अरे लेके तो आए थे हम, फिर वापस यहाँ तो उनको जबरदस्ती लेके नहीं आया था जगदीश जी, वो अपनी मर्जी से आए थे, पूरे विधि विधान के साथ, सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन कराने में उनकी मदद की गई है, कोई जबरदस्ती नहीं लेकर आया है जी, बिल्कुल। हमारे पास वक्त की कमी है, इस चर्चा को हम यहीं रोकना चाहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ जगदीश जी जुड़े थे, जो कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जिस तरह की जगदीश जी ने बातें कही कि वो अपने धर्म में वापस जा सकते हैं, तो हिंदू धर्म सनातन धर्म सभी चीजों का सम्मान करता है, सबकी भावनाओं का सम्मान करता है, कभी भी किसी को बाध्य नहीं करता है कि आप हमारे धर्म में आइए या फिर इससे चले जाइए, जो आपका मन करता है वो करिए, हर धर्म का सम्मान करता है सनातन धर्म। और इसी के साथ ही इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।